हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में वत्स द्वादशी कब है, जिसे वत्स बारस भी कहते हैं, और साथ में जानेंगे वत्स बारस के व्रत में कौन से भगवान की, कौन सी देवी देवता की पूजा करते हैं, और इसकी पूजा विधि क्या है, वत्स बारस का महत्व क्या है, और इसकी व्रत कथा। दोस्तों, सनातन धर्म में पशु पक्षियों में भी देवताओं का निवास माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी पशु पक्षी किसी न किसी देवता का ही अवतार हैं। सभी पशु पक्षियों में सबसे अधिक पूजनीय गाय को माना गया है। माना जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। गौ माता और उनके कुल का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष सुहागिनों द्वारा भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी या वत्स बारस का व्रत किया जाता है। इस साल वत्स बारस का व्रत 11 सितंबर सोमवार को है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में वत्स बारस व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और इस व्रत का महत्व, वत्स बारस की पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोवत्स द्वादशी गौ माता और बछड़े को समर्पित है और पुत्र प्राप्ति के लिए गोवत्स द्वादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी है। इसे वत्स बारस के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन पहली बार कान्हा वन में गाय बछड़े चराने गए थे। गोवत्स द्वादशी का दिन गौ माता और बछड़े को समर्पित है। इस दिन इनकी पूजा करने से श्री कृष्ण संतान की हर संकट से रक्षा करते हैं और पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना के लिए गोवत्स द्वादशी का व्रत भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 में गोवत्स द्वादशी की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल गोवत्स द्वादशी 11 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और हर विपत्ति से उनकी रक्षा और खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन अजय एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर को रात्रि के 9:28 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 11 सितंबर को रात्रि के 11:52 पर इसका समापन होगा। गाय बछड़े की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 4:32 से सुबह के 6:03 तक। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी यानी कि वत्स बारस की पूजा का महत्व। दोस्तों, सनातन धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन गौ सेवा करने से ऐसा पुण्य मिलता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान इन कर्मों से भी नहीं मिलता। गौ माता की सेवा करने से इन सब के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा और व्रत करने वाला सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के शरीर पर जितने भी रोए हैं उतने सालों तक गोलोक में
वास करता है। श्री कृष्ण की कृपा से उसे संतान सुख, बच्चे की खुशहाली और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी यानी कि बच्छ बारस की पूजा विधि। दोस्तों, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही भगवान श्री कृष्ण पहली बार जंगल में गाय चराने गए थे। इस कारण भी यह पर्व बहुत ही खास माना जाता है। बच्छ बारस के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके बछड़े वाले गाय की पूजा करनी चाहिए। यदि गाय और उसके बछड़े का रंग समान हो तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। बच्छ बारस के दिन गाय और उसके बछड़े को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चावल, फूल, तिल, गुड़ रखकर गौ माता को प्रणाम करते हुए जल को गाय के खुर पर अर्पित करना चाहिए और खुर को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। गाय के पैरों की मिट्टी से तिलक करना चाहिए। बच्छ बारस के दिन गौवंश के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में बच्छ बारस के दिन चाकू से कटी हुई चीज़ों का, जैसे कि गेहूं, चावल और गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। तो जो महिलाएं बच्छ बारस का व्रत करती हैं वो पहले दिन रात में ही मूंग, मोठ, चना, बाजरा भिगोकर रखती हैं और बच्छ बारस के दिन प्रसाद के रूप में इसी भिगोए हुए अंकुरित अनाज का सेवन करते हैं। यानी कि इस व्रत में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि बच्छ बारस यानी कि वत्स द्वादशी क्यों मनाते हैं। दोस्तों, हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु जो गौ माता है, तो उन्होंने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन सभी मतलब गौ माता की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जिस दिन मनाते हैं तो 3 दिन बाद गोवत्स द्वादशी बच्छ बारस का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे, इसलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं बच्छ बारस व्रत से जुड़े नियम। दोस्तों, बच्छ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत करती हैं और गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। बच्छ बारस से एक दिन पहले रात्रि को बच्छ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है और प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंक कर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को बच्छ बारस के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि काम से निवृत्त होकर के शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हैं तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा उड़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं और अगर संभव हो तो उसके सींगों को भी सजाएं, लेकिन अपने सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपके घर के आसपास गौ माता नहीं है तो आप गौशाला जाकर भी गौ माता की पूजा कर सकते हैं। इस दिन गौ माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका करना चाहिए और दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारनी चाहिए
और भीगे हुए चने, मूंग, मोठ, बाजरा गाय को अर्पित करें। इसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो व्रत की कथा जरूर सुनें या पढ़ें, और व्रत करने वाली स्त्री को भिजोना यानी कि भीगा हुआ मूंग, मोठ, बाजरा, चने, इन पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छू कर दें, या मंदिर में ब्राह्मणी को भी आप ये सामान दे सकते हैं। इसके अलावा बछबारस के दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, पूजन करें और भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाने चाहिए, न ही गाय के दूध से बनी हुई किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस दिन चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न ही चाकू से कटी हुई किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय ना हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इस विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उसे उसके लिए दक्षिणा भी जरूर रखें। और यदि आपको बछड़े वाली गाय ना मिले तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं, गौशाला जाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। और उस परिस्थिति में अगर यानी कि आपको गौशाला में भी गौशाला दूर पड़ती है तो आप बछड़े की यानी कि गाय और बछड़े की प्रतिमा का चित्र या प्रतिमा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको बछबारस की व्रत कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।